नागरिकता कानून के समर्थन में देवास में सैकड़ों बीजेपी युवा मोर्चा और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी पर जमकर बयानों के तीर चलाए गए। देखिए इस रिपोर्ट में। नागरिकता संशोधन कानून पर एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ समर्थन को लेकर भीड़ सड़क पर उतर रही है। देवास में बड़ी संख्या में CAA और NRC के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ता एवं सैकड़ों की संख्या में युवाओं का सैलाब भगवा ध्वज लिए सड़कों पर उतरा। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और देश भर में CAA और NRC लागू करने की मांग की। वहीं राहुल गांधी द्वारा भगवा धारियों पर दिए गए बयान पर निशाना साधा। आज दो प्रकार के विषयों में अपने ज्ञापन दिया है। एक तो था कि कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी द्वारा जो बड़े मंच से बयान दिया गया कि भगवाधारी सारे बलात्कारी होते हैं, तो ये भारत देश का अपमान है। रेप इन इंडिया का जो उसने दिया था, इससे और बलात्कारियों को उसने और प्रोत्साहन दिया, तो ये देश को बचाने की सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से, राष्ट्रपति जी से और राज्यपाल जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के बयान अगर होते हैं तो प्रथम तो इनकी चुनाव लड़ने की जो मान्यता होती है इसे तुरंत रद्द कर दिया जाए। और हम पूरे हिंदू समाज से और जो भी भारत में रहते हैं, जो भारत को अपना घर समझते हैं, उनसे मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कदाचित वोट ना दे और तुरंत इनका बहिष्कार करें। जो बिल है, जो कि CAA, जिसको के नागरिकता संशोधन बिल जी, उसको अभी संसद में अमित शाह जी द्वारा पेश किया गया और कानून में तब्दील भी हो गया। और उस बिल से हमारे देश के जो शरणार्थी हैं, जो भारत में आए हुए हैं, उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें, और जो लोग आगे रहना चाहते हैं उन्हें यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाए, इसलिए वो बिल को लेकर के आए हैं साथ ही, और हम उसका समर्थन करते हैं। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस फोर्स ने सभी प्रदर्शनकारियों को मल्हार स्मृति के अंदर रोके रखा। करीब आधे घंटे के प्रदर्शन के बाद मौके पर मौजूद डिप्टी कलेक्टर को NRC और CA के समर्थन में ज्ञापन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, देवास।